आंसू बहाने के लिए, प्रार्थनाएं करने के लिए हम तैयार हैं। बजरंग पुलिया आने वाले हैं। जॉर्ज रैम को उन्होंने हराया था अपने सेमीफाइनल में, जो अभी अभी ब्रॉन्ज लेकर गए हैं। फाइनल मुकाबला, गोल्ड मेडल मैच होने वाला है भारत और कनाडा के बीच में। सबसे पहले ऑफिशियल से आपका तारुफ करवा दें, जिन दो मुल्कों के रेसलर हों उन दो देशों के नहीं हो सकते। इजिप्ट के मारवा रेफरी हैं, इंग्लैंड के ली जज हैं और स्टीफन ऑस्ट्रेलिया के मैट चेयरमैन। कमेंट्री में मैं हूं सुनील तनेजा, कृपा शंकर बिश्नोई साहब दिग्गज पहलवान और एक जाने माने कमेंटेटर मेरे साथ हैं, और लैकलैन मैकनील इनायतुल्ला को सेमीफाइनल में हराया, रॉस कॉनले को स्कॉटलैंड के क्वार्टर फाइनल में हराया। दोनों मुकाबले इन्होंने टेक्निकल सुपीरियोरिटी पे जीते थे, और कुछ बजरंग पुनिया का भी रिकॉर्ड ऐसा ही है। लोए बिंगम को हराया, उसके बाद सेमीफाइनल भी इन्होंने एक तरफा जीता था। लैकलैन मैकनील कनाडा से आए हैं और 21 वर्ष की इनकी आयु है। 2021 की जूनियर और कैडेट पैन अमेरिकन चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन यहां मुकाबला उससे कहीं ज्यादा कड़ा होगा। और ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके बजरंग पुनिया, घुटने की चोट ना होती तो वहां पे ये गोल्ड मेडल के भी प्रबल दावेदार थे, और यहां भी ब्रॉन्ज, यहां भी गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं बजरंग पुनिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो ब्रॉन्ज मेडल, एक सिल्वर मेडल, एशियन गेम में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ में डिफेंडिंग चैंपियन। और दर्शकों का कोलाहल सुनिए, शोर सुनिए, समर्थन सुनिए जो इस स्टेडियम में बैठे हैं, और आप जो घर पे बैठे हैं सोशल मीडिया पे अपना प्यार दिखाइए, समर्थन कीजिए भारतीय एथलीट्स का, चाहे वो रेसलर हों, चाहे वो वेट लिफ्टर हों, चाहे वो पैरा एथलीट्स हों, चाहे वो हॉकी टीम्स हों, क्योंकि आपके मैसेज उन तक पहुँचते हैं। यकीन मानिए, जब सारा भारत अपने एथलीट्स के पीछे होता है तो एथलीट्स को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। बजरंग पुनिया क्या पहला अटैक वो करेंगे? समर्थन पूरी तरह से बजरंग के पास है। पहली वार्निंग कैनेडियन को मिली है। हालांकि कैनेडियन रेसलर कद काठी में लंबे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया लगातार उनको खींच रहे हैं, भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए वार्निंग दी है कैनेडियन रेसलर को। लगातार बजरंग पुनिया उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। बहुत नजदीक से कुश्ती लड़ने में माहिर जाने जाने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, ये देखिए दूसरी वार्निंग हो गई। बहुत कम सेकंडों में, एक मिनट में ही उन्होंने एक्टिवेट टाइम में लाके खड़ा कर दिया, यानी कि अगले 30 सेकंड में अगर मैकनील को कोई पॉइंट नहीं मिला तो बजरंग को अपने आप पॉइंट मिल जाएगा। ये भी एक रणनीति होती है। और बजरंग ने फिलहाल, उन्होंने ये अटैक किया है, पॉइंट लेना है मैकनील को। यहां से कौन सी पोजिशन बना पाएंगे बजरंग पुनिया? फिलहाल तो बच रहे हैं मैकनील, 10 सेकंड बाकी, नहीं तो भारत का खाता खुलेगा। गोल्ड मेडल मैच तक पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बजरंग के सामने अभी तक, ओ बजरंग का सिंगल लेग अटैक है दोस्तों, क्या यहां से टेक डाउन बना पाएंगे? एक पॉइंट तो बजरंग का पक्का है, क्योंकि एक्टिविटी टाइम में मैकनील को कुछ नहीं मिला। ये लीजिए, टेक डाउन किया, दो पॉइंट, और इसके बाद अब गट रेंज की तैयारी या फीतले। मैकनील को अब अपना डिफेंस बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि बजरंगी भाईजान जब आपको पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। अब तक अच्छा मैच डिफेंस है मैकनील का, अब तक इन्होंने वो छिपकली वाला डिफेंस किया है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। बजरंग पुनिया जैसे शक्तिशाली पहलवान के सामने आप ईरानी टेक्निक से बच जाओ, बांधने ही नहीं दो, ये काबिले तारीफ है कनेडियन रेसलर। लेकिन लीड बजरंग के पास है, 3 पॉइंट से आगे हैं, और अभी भी 4 मिनट का टाइम बाकी है। गोल्ड मेडल अभी जीतना है भारत को। बजरंग क्लियर कट फेवरेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं बजरंग को शांति नहीं है, 3 पॉइंट से उनको शांति, और यही प्रतिभा दिखाती है। लगातार पुल पुश कर रहे हैं, टांग काटने का प्रयास, क्या लेग अटैक, क्या जोन से
बजरंग यहाँ भी नहीं ठहराओ, रखेंगे पूरे मैच को, पूरी कुश्ती को कॉमनवेल्थ में शून्य के मुकाबले 10-0 से हराना चाहते हैं। बजरंग पुनिया की मंशा साफ नजर आती है। तनेजा 4-0 से एक बाउट जीता, 6-0 से दूसरा, 10-0 से तीसरा, एक भी पॉइंट अब तक बजरंग ने ड्रॉप नहीं किया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कृपा भाई, यहाँ शांति नहीं, यहाँ क्रांति होनी चाहिए पॉइंट्स की, और बजरंग उसमें 100% खरे उतर रहे हैं। पहला राउंड समाप्त होने की तरफ है, लीड बजरंग की है, क्या और बढ़ा पाएंगे इन बचे हुए 9 सेकेंड्स में। मैकनील अभी तक उनके मुकाबले 19 ही साबित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पहला राउंड समाप्त होने पर 4-0 की बहुत बड़ी नहीं तो एक मजबूत लीड बजरंग पुनिया के पास। और ये सुजीत मान भारत के अर्जुन पुरस्कार विजेता रेलवे कुश्ती टीम के कोच हैं, अभी बजरंग के कोच हैं। और ये देखिए किस तरह से पैर पकड़ के सम्मान के साथ बाहर ले आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इरादा बदला, टेक डाउन किया 2 अंक के लिए। और ये पांव किस तरह से पैर को काटने का प्रयास किया, जोन से बाहर, 1 अंक और। और अगला राउंड जो लास्ट राउंड है 3 मिनट का, वो भी बहुत प्रभावशाली तरीके से बजरंग पुनिया खेलेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बजरंग पुनिया का स्टेमिना लाजवाब है, ये रेसलर भी लाजवाब है भाई। शिष्य हैं योगेश्वर दत्त के, उनको अपना गुरु, अपना आइडल मानते हैं, और उन्हीं के अंदाज में बजरंग पुनिया यहां गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, 2018 के भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और पहला लेग अटैक मैकनील का, ये भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भारतीय, ओ उनको अपने ही दाव में उलझा लिया है बजरंग ने, गर्दन पकड़ में है, दोनों बाजुएं पकड़ में है, अब छूटे दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन। और बहुत अच्छा किया है उन्होंने, खेमे टेक्निक लगाने का प्रयास किया था डेंजर में ले आने का, लेकिन बीच में इरादा बदल लिया। कई बार ऐसी टेक्निक लगाने में आप खुद डेंजर में फंस सकते हो, तो बजरंग ने एक झोंका दिया और वापस अपनी स्थिति में आ गए। बिल्कुल, पॉइंट लेने से बेहतर है पॉइंट ना देना, क्योंकि आप लीड में हैं। अटैक किया था मैकनील ने, लेकिन बजरंग ने उसको ध्वस्त किया है, क्या घूम के पीछे जा पाएंगे। ओ मैकनील के पास मौका है, टेक डाउन किया, यहां 2 पॉइंट मैकनील ने लिए, खाता खोला, अब ये मैच खोलेगा, अब ये बाउट खोला है। बहुत ही जबरदस्त अटैक था मैकलियन का, कैनेडियन रेसलर, हार का अंतर थोड़ा कम किया है, बजरंग पुनिया को यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। और उसके बाद डिफेंस बजरंग का पूरी तरह से, जैसे एक लिजर्ड छिपकली चारों लिंब चिपका लेती है दीवार पे, रेसलर भी दोनों हाथ पैर चिपका लेते हैं मैट पे ताकि ज्यादा पॉइंट ना दें, इसीलिए इसको लिजर्ड डिफेंस कहते हैं। यहाँ लेग अटैक, सिंगल लेग अटैक बजरंग का है, क्या गिरा के टेक डाउन बनवा पाएंगे, ये टंगड़ी लगाई लेकिन पोजीशन क्या बाहर जाके 1 पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 की भी मांग रहेगी, क्योंकि टेक डाउन किया और 2 अंक यहाँ पर दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन। बजरंग पुनिया को संतुष्टि नहीं है अभी भी, वो और अंक लेना चाहते हैं, मिचलेन की तारीफ करनी होगी कि 2 अंक से उन्होंने खाता खोला इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग के ऊपर। बिल्कुल, पहली बार बजरंग ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पॉइंट लूज किए हैं, अन्यथा पिछले 3 मुकाबले उन्होंने बिना पॉइंट दिए जीते हैं। और संतुष्टि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैकनील कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोशिश करने के अलावा चारा भी नहीं है, और प्रतिभा दिखाई है मैकनील ने। फिर से लेग अटैक, बजरंग पुनिया फिर से डोमिनेंट पोजीशन में, क्या आ पाएंगे। हाँ जी, एक पैर है और ये टंगड़ी अड़ाने वाले हैं, ये बाहर जा रहे हैं। मैकनील कह रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, 1 ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए पॉइंट। और बजरंग ने भी वैसा ही किया, उसकी बात का सम्मान रखा और सम्मान पूर्वक पवेलियन से बाहर यानी कि प्रोटेक्शन एरिया पे लाके खड़ा कर दिया, बोले ले भाई एक ही पॉइंट दे दे, क्योंकि 5 पॉइंट की लीड हो गई है, 1 मिनट का टाइम बाकी है। अगर आप अपने विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़े खड़े उस ऑरेंज पट्टी से बाहर ले जाएं तो 1 अंक मिलता है, तो मैकनील ने वो 1 अंक दिया, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए। और अगर उनको वापस आना है तो एक मजबूत ग्रिप बनानी पड़ेगी, क्या बजरंग यहां सिर्फ डिफेंस करके टाइम काटेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैकलिन जितना मचलाएंगे बजरंग पुनिया उतना ही प्रभाव दिखाएंगे और अंक अर्जित करेंगे, हालांकि अभी कुछ रह नहीं गया है। जितना कैनेडियन रेसलर अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया काउंटर अटैक पर ध्यान, देखिए कुश्ती का नजारा ही कुछ और है। ये नजारा अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित होने वाला है प्रभु, छठा गोल्ड भारत की पहुंच में है, और बजरंग अभी तक लेग अटैक नहीं करने दे रहे मैकनील को। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, कितने सेकंड बाकी हैं, 1-2 पॉइंट और बजरंग पुनिया को उस टेक डाउन के, 7 पॉइंट की लीड,
दो सेकंड से कम का टाइम बाकी और छठा गोल्ड मेडल भारत का बजरंग पुनिया ने दिलवाया है, कुश्ती में दिलवाया है, रेसलिंग का पहला गोल्ड मेडल। मुबारक बजरंग। बिल्कुल, हम जैसी बात कर रहे थे अंतिम सेकंड में भी बजरंग पॉइंट लेने से नहीं झुकेंगे और बजरंग ने अपना नाम के अनुकूल अपना प्रभाव दिखाया है, स्वर्ण पदक जीता है, अपना स्वर्ण पदक डिफेंड कर लिया है बजरंग ने। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का छठा गोल्ड मेडल, 20वां टोटल मेडल भारत को मिल चुका है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड मेडल सुनिश्चित करने में कामयाब। गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड जीता था और वहां भी 65 किलोग्राम में जीता था और यहां भी 65 किलोग्राम वर्ग में। लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए हैं और बाकी सारे पहलवानों के लिए रास्ता खोला है कि मैंने गोल्ड जीता है, आइए आप भी बहती गंगा में हाथ धोइए। बिल्कुल, और किस तरह से गोल्ड जीता है, लगातार प्रभाव विपक्षी पहलवान पे दिखाते रहे, पैर को इतनी ऊपर उठाने के बाद भी कैनेडियन रेसलर नहीं गिर रहे थे, ये भी उनकी तारीफ करनी होगी। और ये देखिए, गोल्ड मेडल जीतने के बाद सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया। और कृपा भाई, अभी भारत नंबर 6 पे है मेडल्स टैली में, स्कॉटलैंड भारत से आगे है, अगर एक गोल्ड आज की रात और आ जाए तो भारत नंबर 5 पे आ जाएगा। और बिल्कुल आएगा, अभी हमारे पहलवान दीपक पुनिया, साक्षी मलिक गोल्ड के लिए खेलेंगे और यहां बैठे भारतीय दर्शकों के लिए वाकई में भांगड़ा करने का समय है। पहले सिल्वर अंशु मलिक को मिला और बजरंग, जिनसे गोल्ड से कम उम्मीद ही नहीं थी, आहा, विदेशों में भी उनके फैन हैं भाई, क्यों ना हो, चैंपियन है बजरंग पुनिया। तैयार हो जाइए उस लम्हे के लिए जिसके लिए हर एथलीट प्रतीक्षा करता है, यानी कि पोडियम पे जाने का समय, अपना मेडल गले में पहनने का समय। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी की मेडल सेरेमनी, बजरंग पुनिया सेंटर ऑफ द पोडियम यहां हमारे सामने खड़े होंगे। इंडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत कॉमनवेल्थ रेसलिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। भले ही ब्रॉन्ज है लेकिन आप पोडियम पे पहुंचे हैं तो आपकी जो क्राउड है, आपके जो समर्थक हैं, बिल्कुल खुश होने का अवसर है उनके लिए। मुबारक जॉर्ज रैम, 11-0 से इन्होंने अपना मेडल मुकाबला जीता था टेक्निकल सुपीरियरिटी पर। पाकिस्तान के हैं और इन्होंने भी टेक्निकल सुपीरियरिटी पर ही अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिर्फ तीसरा मेडल इन गेम्स में पाकिस्तान के लिए। एक जूडो में आया, एक वेट लिफ्टिंग में और एक रेसलिंग में। खेले थे बजरंग पुनिया से, कनाडा के हैं और अपने से कहीं बेहतर रेसलर से इन्होंने बाउट लड़ी, सिर्फ 2 अंक लिए और इनफैक्ट पहले पहलवान बने जिसने बजरंग के खिलाफ पॉइंट लिए हो इन कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो सिल्वर के लिए मुबारक आपको। बजरंग पुनिया ने गोल्ड कोस्ट में गोल्ड जीता और बर्मिंघम में भी गोल्ड जीता।
भारत का आठवां सातवां गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया ने जीता और अब समय भारत के राष्ट्रीय गान का। कलर पे खाली गोल्ड कलर सम्मान करते हैं बाद में, ये भावना सदैव बनी रहनी चाहिए और यही